जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है नवरात्रि का सप्तम तिथि, मतलब सप्तम दिन। आज हम जाएंगे दुर्गा मंदिर का आरती देखने। शाम टाइम है, अब चलेंगे हम आरती देखने। देखिए घड़ी में, अभी तो 7:30 बजे हैं। हम जाएंगे लगभग 7:45 तक अपना गांव का दुर्गा मंदिर का आरती। कैसे होती है शाम टाइम आरती, वो सब आप लोग का साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि ना मैं भी कभी देखी नहीं हूँ, और मैं भी देखूँगी, आप लोग भी दिखाऊँगी। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नहीं सही बात है, ऐसे तो नहीं, मैं अपमान लगा छोड़। जय माता दी। देखिए माता का आरती हो चुकी है। माता रानी ये बात हमारा आरती हो चुकी है। ये मंदिर का सौंदर्य है, ये मंदिर का सौंदर्य है। उसी परिसर देखिए सब लोग जाने लगे, हम भी जा रहे हैं। प्रसाद बट रही है। जय माता दी। जय माता दी। हम सब आए थे आरती में, प्रसाद भी है। जय जय माता दी। हाँ फ्रेंड्स, चलिए आज अष्टमी है, नवरात्रि का आज अष्टम दिन अष्टमी है। अष्टमी चढ़ाना चढ़ाएंगे। हम जा रहे हैं अभी मंदिर। चलिए मैं दिखाती हूँ अपना कौन सा मंदिर हम जा रहे। हम दोनों सहेलियाँ ही जा रहे, क्योंकि ज़्यादा लोग जाओ तो भीड़ होती है, इसीलिए हम दो ही जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, देखिए तिवरी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल अभी अभी सुबह हो रही, पूरा तिवरी शांत है। इधर सिंदूरा फाटने लगी, हम निकले मंदिर। पहले पहुँचे हम आज बड़ी दिवाली मंदिर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो, सबने बोलो जय माता दी। जय माता दी। सर्वश्रेष्ठ खाना लगा रहा सब। देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा दिया जलाए है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं सोची क्यों ना वीडियो बना ले। ये रामलीला मैदान है, दुर्गा मंदिर। रात में हम यहीं आए थे आरती के लिए। जय माता। हाँ फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए दूसरी दुर्गा मंदिर में। ऐसे है माता रानी का आज का श्रृंगार।
कितना प्यारा सीन आ रहे हैं, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल अच्छे लग रहे। गणराज विघ्न विनाश का गणराज है। जय माता की। जय माता की। जय माता। अभी चलेंगे शारदा मंदिर। चलो माता की। जय माता की। जय माता की। जय माता। जय माता की। पहुँच गए अभी हम शारदा मंदिर में। जय माता। चलो हाँ फ्रेंड्स, देखिए हम सारा मंदिर हो आए हैं, आप लोग के साथ सब कुछ मैं शेयर कर दिया। अभी आ गए शिव जी के पास, उनसे अभी चलेंगे घर। कितने सुंदर भजन पढ़ रही है अपने कॉलोनी में, तो कोई देख रहे उनको अशेष अशेष धन्यवाद। जय भोले बाबा।